बॉलीवुड एक्टर शर्मन जोशी 42 साल के हो गए हैं। 17 मार्च 1979 को उनका जन्म मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। वे एक मराठी परिवार से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन उनके पिता अरविंद जोशी गुजराती थिएटर के दिग्गज कलाकार थे जिनका अब देहांत हो चुका है। इसके अलावा उनके परिवार के अन्य सदस्य भी थिएटर से जुड़े हुए हैं। खुद शर्मन का भी थिएटर से काफी लगाव है। शर्मन ने साल 1999 में डायरेक्टर विनय शुक्ला की आर्ट फिल्म गॉड मदर से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इसके बाद उन्होंने 2001 में स्टाइल, 2003 में एक्सक्यूज मी, 2005 में शादी नंबर वन, 2006 में रंग दे बसंती, 2007 में गोलमाल, 3 इडियट्स और 2012 में फरारी की सवारी जैसी कई फिल्मों में काम किया। बतौर प्लेबैक सिंगर फिल्म 3 इडियट्स में उन्होंने सॉन्ग गिव मी सम सनशाइन गाया है। इस फिल्म के लिए उन्होंने फिल्म फेयर का बेस्ट सपोर्टिंग अवार्ड भी मिला था। शर्मन जोशी की लव लाइफ की शुरुआत तब हुई जब वे कॉलेज में पढ़ रहे थे। यहाँ उनकी मुलाकात एक ऐसी लड़की से हुई जिसे पहली मुलाकात में ही शर्मन दिल दे बैठे। उस लड़की का नाम था प्रेरणा चोपड़ा, जो फेमस फिल्म एक्टर प्रेम चोपड़ा की बेटी है। पहली मुलाकात के बाद ही प्रेरणा को भी शर्मन पसंद आ गए, हालांकि दोनों ने एक दूसरे से अपनी भावनाओं का इजहार नहीं किया। इसके बाद मुलाकातों का दौर चलता रहा और वे गहरे दोस्त बन गए, हालांकि दोनों ने कभी एक दूसरे को प्रपोज नहीं किया। 1999 में शुरू हुआ डेटिंग का सिलसिला 2000 में खत्म हुआ। 15 जून 2000 को दोनों ने गुजराती रीति रिवाज से शादी कर ली। जिस साल दोनों की शादी हुई उसी साल शर्मन जोशी ने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत की, जबकि प्रेरणा बिजनेस वुमन है। दोनों 3 बच्चों, बेटी ख्याना, बेटे वारियान और विहान के पेरेंट्स हैं। शर्मन टीवी के फेमस एक्टर रोहित रॉय के साले भी हैं। उनकी बहन मानसी जोशी रोहित की पत्नी है। दोस्तों, उम्मीद है आपको शर्मन जोशी के बारे में जानकारी अच्छी लगी होगी। बॉलीवुड के ऐसे मजेदार वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।